हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SBI PO की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली SBI PO की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुकी है, जिसकी डेट थी 17, 18, 19 और 20 दिसंबर। ये 4 दिन के 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुई है और एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने लिख के आए हैं। तो अब वो लोग बहुत परेशान हैं कि हमारा कट ऑफ से ऊपर जाएगा, हम लोग ने कितने अटेम्प्ट किए, हमारे अटेम्प्ट सही तो है या नहीं है। तो एक डेटा लेकर आया हूँ मैं उसके साथ और आपके लिए लेकर आया हूँ कि क्या होने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मुझे लगता है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ये, बट स्टिल हम लोग पास जाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे पहले तो टफनेस ऑफ द पेपर, पेपर कैसा, कितना टफ आया था, क्या था। ठीक है, उसके बाद की वैकेंसीज क्या है, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, उसके बाद कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, किस तरीके से आपकी शिफ्ट थी बाकी शिफ्ट से अगर कंपेयर करते हैं तो। नॉर्मलाइजेशन का भी एक थोड़ा सा रोल यहाँ पर बनता है। तो ये है शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट्स, जो भी हमको पता चला उस हिसाब से। 17 दिसंबर पहली और दूसरी शिफ्ट का अटेम्प्ट जो है वो 55 से 64, 57 से 62। 18 दिसंबर अपनी अपनी शिफ्ट आप देख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट्स है 56 से 61, 55 से 62। 19 का है फर्स्ट का 54 से 62, सेकेंड शिफ्ट है 53 से 61, थर्ड शिफ्ट, यहाँ थर्ड होना चाहिए, थर्ड शिफ्ट है 58 से 65 और फोर्थ शिफ्ट है 54 से 64। दिसंबर 20 की फर्स्ट शिफ्ट है 57 से 63, सेकेंड है 56 से 62, थर्ड है 51 से 59 और फोर्थ है 54 से 62। ये जो है आपकी शिफ्ट 20 दिसंबर की है। तो 17, 18, 19, 20, ये 4 दिनों की 10 शिफ्ट मैंने यहाँ पे बता दी है, आप अपनी अपनी शिफ्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे अगर ये डेटा के हिसाब से देखें तो सबसे आसान, मतलब वैसे तो सारी शिफ्ट बहुत टफ थी, बट अगर इनमें कंपेयर किया जाए तो ये शिफ्ट थोड़ी बेटर है, ये शिफ्ट थोड़ी बेटर दिखती है। अगर थोड़ी डिफिकल्ट शिफ्ट देखना जाए तो जो है ये शिफ्ट और ये शिफ्ट काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब 20 तारीख की तीसरी शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट दिख रही है और 19 तारीख की तीसरी और चौथी शिफ्ट सबसे आसान शिफ्ट दिख रही है। तो अब अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपके अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से हुए हैं। चलिए कट ऑफ जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। कट ऑफ देखिए, पिछले साल 2000 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी 1600 है, तो इसका मतलब है कि वैकेंसी थोड़ी कम हुई है बट एग्ज़ाम का लेवल बढ़ गया है, एग्ज़ाम का लेवल जो है बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनसेट हो जाएगा और कट ऑफ उसी के आसपास आएगा जो पिछले साल आया था। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो है 56 से 61 के आसपास, ±3 ±2 हम लोग पकड़ के चलेंगे कि ऊपर नीचे आना चाहिए। ठीक है, फिर SC कैटेगरी के लिए मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो है 50 से लेके 56, फिर से वही ±6। ST के लिए प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं 58 से लेकर 54, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि OBC का कट ऑफ होना चाहिए 55-60 के बीच में, ±3। और EWS का कट ऑफ जो है वो जनरल के आसपास ही होना चाहिए, ज़्यादा फर्क आना नहीं चाहिए, 56 से 60, 61 यही कट ऑफ होना चाहिए EWS का। ठीक है, अगर इस रेंज में कट ऑफ आता है तो देखिए आप कमेंट करके बताइएगा कि देख सर आपने ये प्रिडिक्ट किया था और यही कट ऑफ हमारा आया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो सब लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर शुड आई प्रिपेयर फॉर मेंस, कि मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दिए देखिए मेरे अटेम्प्ट्स ये है। ठीक है, तो 3 तरीके के एक तो स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो 70-80 सॉल्व करके आए हैं, जीनियस टाइप जो बच्चा है और जिनको पता है कि मैं सर 100% मैं श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बच्चे बड़े खुश है और ये बच्चे बढ़िया तरीके से मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको पता है सर मेरा चांसेस बहुत ही लो है, मेरे लो चांसेस है सिलेक्शन होने के, ठीक है, तो ये बच्चे अपने अगली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी है SSC Tier 2, SBI क्लर्क, जो भी है जिनके लिए उनको आगे प्रिपेयर करना है उसके लिए वो प्रिपेयर करना चालू कर रहे हैं, अगली बार के प्रीलिम्स के लिए वो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बढ़िया खुश है, ये भी खुश है। दुखी कौन है पता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में अभी है वो जो है मोस्ट बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो कि सर हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम जो है बीच पे अटके हुए हैं, मतलब हमारे अटेम्प्ट्स इतने हुए हैं कि अगर थोड़ा सा इधर जाएंगे तो हो सकता है पास हो जाए, थोड़ा सा इधर चले गए तो पता नहीं फेल हो जाए। तो जो है लुढ़कने वाले जो बच्चे हैं ना, ये मोस्ट बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर होते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, किन्ने अटेम्प्ट करना चाहिए, किन्ने किस मेंस के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, तो सर ये लोग तो कर ही रहे हैं और ये आपसे और आगे ना निकल जाए, इसलिए जो बच्चों के अटेम्प्ट 50 से लेकर 65 तक के हुए हैं, जो कि मेनली सबके हुए हैं,
ठीक है, मेनली बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट्स इसी में हुए हैं, तो इन सारे लोगों ने मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि खराब तो होने नहीं वाली आपकी प्रिपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन आपको करती रहनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन खराब नहीं होने वाली है, कहीं ना कहीं आपको इसका यूज आने ही वाला है। मतलब SBI क्लर्क का मेंस का देने के लिए आप दे सकते हैं, फिर आगे और भी कोई एग्जाम्स आपकी आ रही है, बहुत सारी एग्जाम शेड्यूल है, तो कहीं ना कहीं ये आपको काम ही आएगी, कोई पढ़ाई आपको नुकसान देने वाली नहीं है। हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, मैं सिलेक्शन नहीं ही ले पाऊंगा, मेरा पेपर बहुत बुरा सा हुआ है, तो उन लोगों ने प्रिलिम्स के अपने कॉन्सेप्ट को पहले और ज्यादा बेहतर करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, फिर मेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। पर ये जो दो कैटेगरी के बच्चे हैं, इन लोगों ने मेंस की तैयारी अपनी शुरू करते रहनी चाहिए, ठीक है। और ज्यादा दिन आपको मिलेंगे नहीं, अगर रिजल्ट आ जाएगा पीओ का जल्दी से प्रीलिम्स का, तो उसके बाद मेंस के लिए आपको ज्यादा दिन मिलेंगे नहीं, फिर पता चलेगा कि मैं सिलेक्ट हो गया, अब तो मेरे पास समय नहीं क्योंकि मैं अभी तक पढ़ ही नहीं रहा था, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब आपको पढ़ना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, जीए पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक के रही कहानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कैसे डिटरमिन होता है और किस बच्चों ने मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हुए, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।